आज हम मैं अनिल उपाध्याय सहाचार्य व्यवसाय प्रशासन सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम तथा ऑनर्स पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुबंध अधिनियम की धारा 11 में इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन व्यक्ति अनुबंध करने के लिए क्षमता रखते हैं। इसमें मूल रूप से ये बताया गया कि व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राजनियम द्वारा अयोग्य नहीं होना चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति जो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और राजनियम द्वारा जो योग्यता रखता हो वह अनुबंध करने की क्षमता रखता है। अवयस्कों के संबंध में भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 में ये बात बताई गई कि 18 वर्ष पूर्ण करने वाला व्यक्ति वयस्कता की स्थिति में सम्मिलित होगा और संरक्षक अगर है तो उस स्थिति में 21 वर्ष की अवस्था में वह वयस्क घोषित होगा। अवयस्क के साथ अगर कोई व्यक्ति ठहराव करता है तो वो ठहराव पूर्णतया व्यर्थ होते हैं। 1930 में एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ और इस कारण से यह मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में ये निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ अगर कोई भी व्यक्ति ठहराव करता है तो वो पूर्णतः व्यर्थ होंगे। लाभ की स्थिति में अवयस्क द्वारा अनुबंध का प्रवर्तन संभव होगा, ये तभी होगा कि जब संपूर्ण प्रतिफल दे दिया गया हो और वचन पालन किया हो, वचन का पालन शेष नहीं हो। इसके अलावा इसमें ये बात स्पष्ट की गई कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति कौन कौन होंगे, उसमें धारा 12 में इस बात को समझाया गया कि अनुबंध समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी उनके बीच में अनुबंध किया जा रहा है वह अनुबंध उनके समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि अस्वस्थ मस्तिष्क का जो व्यक्ति है उसको उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि उसके हितों पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उस विषय में भी उसमें क्षमता होनी चाहिए कि उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मूर्ख, पागल, शराबी, वृद्धावस्था से विपरीत व्यक्ति हैं, उनमें अगर यह समझ है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है तो वो व्यक्ति अस्वस्थता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होंगे। राजनियम द्वारा भी यानी कि कानून के द्वारा भी कई लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है, जिसमें सबसे पहले विदेशी शत्रु। यानी कि अगर किसी राष्ट्र के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को विदेशी शत्रु की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है तो उस स्थिति में अगर उनके साथ में कोई अनुबंध या ठहराव किया जाता है तो वह ठहराव वैध नहीं होगा। दूसरी बात इसके अंतर्गत आएगी, वो अनुबंध करने की पात्रता भी नहीं रखते। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको कि किसी कानून के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त हैं वो व्यक्ति भी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसी के साथ साथ कृत्रिम व्यक्तित्व के कारण भी अयोग्य घोषित हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपलिटी है, कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ये सब व्यक्ति जो हैं ये जो हैं मतलब कृत्रिम व्यक्तित्व के लोग माने जाते हैं और इस कारण से इनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। विवाहित स्त्रियों को भी अयोग्य घोषित किया गया है कि वो भी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने की क्षमता नहीं रहते। और इसी प्रकार से अपराधी,
और दिवालिया लोगों को भी इस संबंध में अयोग्य घोषित किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने इस बात को देखा कि पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।